कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन अनंत देव की पूजा की जाती है तथा संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। अनंत देव भगवान विष्णु का रूप माने जाते हैं, अतः अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। इस पूजा में अनंत सूत्र का महत्व होता है। इस व्रत में सूत या रेशम के धागे को लाल कुमकुम से रंग उसमें 14 गांठें लगाकर राखी की तरह अनंत का धागा बनाया जाता है। इस अनंत रूपी धागे को पूजा में भगवान पर चढ़ाकर व्रती अपने बाजू में बांधते हैं, जिसे स्त्री बाएं एवं पुरुष दाएं हाथ में पहनते हैं। यह अनंत सूत्र हम पर आने वाले सब संकटों से रक्षा करता है तथा सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करता है। अनंत सूत्र में बांधी गई 14 गांठें भगवान श्री हरि के द्वारा 14 लोकों की प्रतीक के रूप में मानी जाती है। यह व्रत धन पुत्र आदि की कामना के लिए किया जाता है। इस दिन नए धागे के अनंत को धारण कर पुराने धागे को अनंत का विसर्जन किया जाता है। इस दिन गणेश विसर्जन भी होता है, अतः यह अनंत चतुर्दशी महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है एवं जैन धर्म ने इस दिन को पयूर्षण पर्व का अंतिम दिवस कहा गया है। इस दिन को संवत्सरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे क्षमावाणी भी कहा जाता है। आज हम आपको बताएंगे अनंत चतुर्दशी व्रत का शुभ मुहूर्त, अनंत चतुर्दशी का महत्व, अनंत चतुर्दशी का जैन धर्म में महत्व, अनंत चतुर्दशी व्रत का पालन कैसे करें, अनंत चतुर्दशी व्रत विधि तथा अनंत सूत्र मंत्र एवं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। अनंत चतुर्दशी शुभ मुहूर्त। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को ही अनंत व्रत किया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह तिथि सूर्योदय काल में 3 मुहूर्त अर्थात 6 घड़ी ग्रहण करनी चाहिए। शास्त्रानुसार यह तिथि पूर्वाहरण एवं मध्याह्न व्यापिनी लेनी चाहिए तथा यह गौण पक्ष होता है। दोनों ही परिस्थितियों में भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को अनंत व्रत पूजन एवं सूत्र बंधन के लिए शास्त्र सम्मत उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त यह तिथि सूर्योदय के पश्चात कम से कम 2 मुहूर्त अर्थात 4 घड़ी विद्यमान हो तो भी ग्रहण की जा सकती है। इस वर्ष का शुभ मुहूर्त आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अनंत चतुर्दशी का शास्त्रोक्त नियम। प्रथम, यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसके लिए चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के पश्चात 2 मुहूर्त में व्याप्त होनी चाहिए। द्वितीय, यदि चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के पश्चात 2 मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जाए तो अनंत चतुर्दशी पिछले दिन मनाए जाने का विधान है। इस व्रत की पूजा तथा मुख्य कार्यकाल दिन के प्रथम भाग में करना शुभ माने जाते हैं। यदि प्रथम भाग में पूजा करने से चूक जाते हैं तो मध्याह्न के शुरुआती चरण में करना चाहिए। मध्याह्न का शुरुआती चरण दिन के सप्तम से नवम मुहूर्त तक का होता है। अनंत चतुर्दशी का महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुव, स्व, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इन लोकों का पालन तथा रक्षा करने के लिए वह स्वयं ही 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। अतः अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने तथा अनंत फल देने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम श्रुत का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। धन धान्य सुख संपदा तथा संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है। भारत के कई राज्यों में इस व्रत का प्रचलन है। इस दिन भगवान विष्णु की लोक कथाएं सुनी जाती है।
यह भी मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार कर वन के कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से यह व्रत किया तथा अनंत सूत्र धारण किया। अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से पांडव सब संकटों से मुक्त हो गए। अतः इस दिन अनंत भगवान की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। अनंत चतुर्दशी का जैन धर्म में महत्व। अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस जैन धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र तिथि है। यह मुख्य जैन त्यौहार पर्युषण पर्व का आखिरी दिन माना जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत का पालन कैसे करें? इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। कलश की स्थापना की जाती है जिसमें कमल का पुष्प रखा जाता है तथा कुशा का सूत्र चढ़ाया जाता है। भगवान एवं कलश को कुमकुम हल्दी का रंग चढ़ाया जाता है। हल्दी से कुशा के सूत्र को रंगा जाता है। अनंत देव का आह्वान कर उन्हें दीप धूप एवं भोग लगाए जाते हैं। इस दिन भोजन में पूरी तथा खीर बनाई जाती है। पूजा के पश्चात सभी को अनंत सूत्र बांधा जाता है। इस प्रकार अपने कष्टों को दूर करने हेतु सभी इस व्रत का पालन करते हैं। इस दिन देश के कई हिस्सों में गणेश विसर्जन किया जाता है। 10 दिनों तक घर में गणपति को विराजमान कर इस दिन उनकी विदाई की जाती है। अनंत चतुर्दशी व्रत विधि। व्रत का विधान कहता है कि व्रतकर्ता प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात व्रत का संकल्प करे। शास्त्रों में यद्यपि व्रत का संकल्प एवं पूजन किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर करने का विधान है, तथापि ऐसा संभव न होने की स्थिति में घर पर ही पूजा गृह की स्वच्छ भूमि पर कलश स्थापित करें। कलश पर शेषनाग की शैया पर लेटे हुए विष्णु जी की मूर्ति अथवा चित्र को रखें। उसके समक्ष 14 ग्रंथियों अर्थात गांठों से युक्त अनंत सूत्र स्थापित करें। इसके पश्चात ओम अनंताय नमः मंत्र से भगवान विष्णु तथा अनंत सूत्र की विधि विधान से पूजा करें। पूजन उपरांत अनंत सूत्र को मंत्र पढ़कर पुरुष अपने दाहिने हाथ में तथा स्त्री अपने बाएं हाथ में बांध लें। अनंत सूत्र मंत्र इस प्रकार है। अनंत सूत्र बांध लेने के पश्चात किसी ब्राह्मण को नैवेद्य में निवेदित पकवान देकर स्वयं सपरिवार प्रसाद ग्रहण करें। पूजा के पश्चात व्रत कथा को अवश्य पढ़ें या सुनें। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। एक दिन एक मुनि की दृष्टि अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वह भ्रमित हो गए तथा उन्होंने पूछा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? शीला, जो कि उनकी धर्मपत्नी थी, उन्होंने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके उस मुनि ने अपनी पत्नी की सही बात को भी गलत समझा तथा अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला वशीकरण करने का धागा समझकर तोड़ दिया तथा उसे आग में डालकर जला दिया। इस जघन्य कर्म का परिणाम भी शीघ्र ही सामने आ गया। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने में विवश हो जाने पर उस मुनि ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वे अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो मिलता वे उससे अनंत देव का पता पूछते जाते। बहुत खोजने पर भी मुनि को जब अनंत भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, तब वे निराश होकर प्राण त्यागने लगे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया तथा एक गुफा में ले जाके चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन कराया। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है, यह सब उसी का फल है। इसके प्रायश्चित हेतु तुम 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूर्ण हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी तथा तुम पूर्ववत सुखी समृद्ध हो जाओगे। मुनि ने इस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान ने आगे कहा कि जीव अपने पुराने दुष्कर्मों का फल ही दुर्गति के रूप में भोगता है। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पातकों के कारण अनेक कष्ट पाता है। अनंत व्रत के सविधि पालन से पाप नष्ट होते हैं तथा सुख शांति प्राप्त होती है। मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन करके खोई हुई समृद्धि को पुनः प्राप्त कर लिया।
दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करें। धन्यवाद।